दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का शुरू करते हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का, 7 जनवरी 2018 का न्यूज़पेपर का, यूपीएससी एमपीएससी क्योंकि पीसीएस की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण खबरों का एनालिसिस। तो आज फ्रंट पेज पे देख लीजिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और ये 7 जनवरी 2018 का राष्ट्रीय संस्करण है। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रथम पेज से। प्रथम पेज पे लगभग मैंने आज सभी पेपर पढ़ा है, उसमें सभी पेपरों पे लालू यादव को जो जेल हुई है उसके संबंध में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरे मामले में लालू को 3.5 साल की जेल हुई है, इसमें लगभग इनको 50,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, भी मैंने कहीं पढ़ा था। इनके इतिहास के को लेकर भी कुछ कुछ दिया हुआ है और इनको क्या कर सकते हैं वो भी दिया हुआ, और सीबीआई जज ने क्या क्या वो दिया। ये यूपीएससी एमपीएससी या यूपी पीसीएस की दृष्टि से उतना मायने नहीं रखता है। हाँ, इसको एक हम प्रशासनिक दृष्टि से हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि अगर भ्रष्ट शासन हुआ तो क्या कैसे किया जा सकता है। इसमें कई आईएएस ऑफिसर भी फंसे थे, जिसमें मुख्य सचिव और अन्य विभागों के सचिव भी इसमें जेल गए थे और अभी कुछ लोग जेल भी काट रहे हैं। तो इसको हम यूपीएससी के फोर्थ पेपर में के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं और इसका एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में के सोपोर में आईईडी विस्फोट में 4 पुलिसकर्मियों की शहीद हुई है। ये उसकी दृष्टि से देखो तो उतना नहीं है, मगर हाँ, ये कश्मीर में जो अभी जो चल रहा है राइट्स, उसके संबंध में हम आप देख सकते हैं। और ये राज्यसभा में राहुल के खिलाफ नोटिस लोकसभा को भेजा, ये यूपीएससी की दृष्टि से एक बड़ा चीज हो सकता है। हाँ, इसमें देखिए, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सिद्धार्थ के हनन के नोटिस को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शनिवार को लोकसभा को भेज दिया है। सभापति ने यह फैसला विशेषाधिकार हनन नोटिस के बिंदु को प्रथम दृष्टया सही पाने के बाद दिया है। भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव राज्यसभा में राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया था। इसमें आप एक चीज को पढ़ सकते हैं कि विशेषाधिकार हनन क्या होता है। लोकसभा में जो विशेषाधिकार हनन का इल्जाम लगा है लालू राहुल गांधी पे, उसको आप देख सकते हैं। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण ये आज का न्यूज है कि पाक से निपटने के लिए सभी विकल्प खुले, अमेरिका ने कहा है। ये थोड़ा हम आईआर की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु, अभी कुछ कई दिनों से चल रहा है कि ट्रंप ने कई सैन्य एड फंड है जो अमेरिका का रोक रखा है, तो उसमें ये देख सकते हैं कि ये 2 विकल्प अरब डॉलर 2 अरब डॉलर करीब 12,668 करोड़ रुपए की सुरक्षा सहायता रोकने से अलग होगा। तो इसमें बहुत से अब धीरे धीरे प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो अफगानिस्तान में अभी उसके सैन्य सेवाएं चल रही हैं उसमें काफ़ी हद तक पाक को मतलब बैकडोर से वो तालिबानी आतंकवादियों को ये पाक शरण देता है और देता आ रहा है। मगर अब कुछ समय से ये अमेरिका थोड़ा सजग हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, खेतों में पराली जलाए तो अफसरों पर होगी कार्रवाई, सेटेलाइट से रखी जाएगी ना, ये कोई दृष्टि से उतना बढ़िया नहीं है। और दूसरे में आते, उच्च शिक्षा में बिहार झारखंड जैसी दिल्ली, उच्च शिक्षा में बिहार झारखंड और उड़ीसा जैसे ऐसे राज्य जो कॉलेजों की राष्ट्रीय औसत से कभी काफ़ी कम है, सरकार इस विषम को मिटाने की दिशा में काम करेगी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के पीछे यही मकसद है। प्रकाश जावड़ेकर जो मानव संसाधन मंत्री हैं, जिनको एक तरह से भारत का शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता है और उसी का नाम है मानव संसाधन मंत्रालय। ये एक और न्यूज है कि सीएम योगी दे सकते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मेट्रो की सौगात, ये उतना दृष्टि से सही नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है। ये देखिए, कांग्रेस ने एनडी गुप्ता की दवाई पर उठाए सवाल की शिकायत, अजय माकन ने चुनाव आयोग के पास दर्ज करी अपनी आपत्ति, कहा भाजपा के करीबी और जीएसटी के समर्थक हैं आपके राज्यसभा उम्मीदवार, मेरे लहजे में जी हजूरी ना था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर ना था। ये आप कुमार विश्वास को जानते हैं जो एक कवि भी हैं, वो अपनी कवि को आजकल जगा जगाते हुए कुछ कुछ कविताओं के द्वारा केजरीवाल जी पे हमला कर रहे हैं। और ये सर्दी के बारे में दिया, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम मान यानी माल में सुनवाई का रास्ता साफ, ये भी उतना सही नहीं है। पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं है। समिष्टा मुखर्जी, ये भी नहीं है। बिना DPCC के बताए औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिलेगी इकाई। ये आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि DPCC क्या क्या कहता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिकरण EPCA के चेयरमैन भूरेलाल ने हाल ही में चेतावनी, ये थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इतना नहीं है। ये देखिए, ये आया है आपका सूचना अधिकारी RTI के तहत एक न्यूज आया कि 4 सवाल 173 जवाब फिर भी अनुत्तर सवाल, ये भी उतना सही दे रहा है। विश्व पुस्तक मेला भी जो दिल्ली में चल रहा है उसके विषय में दिया हुआ है। राहुल गांधी ने सुस्ती को लेकर सरकार पर किया सियासी वार, ये हम देख सकते हैं। GDP को दिया सकल विभाजनकारी राजनीति का नया नाम। चिदम्बरम ने भी लिया आड़े हाथ, कहा मजबूत विकास के खोखले दाव की हकीकत सामने आई। ये राजनीति है, आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जो एक तरह से हम इसमें आप ये देख सकते हैं कि GST के जो विरोध में बातें बोली जाती है उसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं कि विरोध में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। और जो सरकार अभी जो GST के संबंध में जो बातें करती है वो आप उसको प्रो के रूप में और इसको आप कॉन्स के रूप में लिख सकते हैं। कि मान लीजिए कहीं आ जाए GST को एनालिसिस करिए तो वहाँ पे आप प्रो और कॉन्स दोनों को लिखना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं। और ये देखिए, और दूसरे न्यूज पे आते हैं, यहाँ पे फिलहाल सुबह में पुरानी टीम नहीं बदलेंगे राहुल गांधी, ये भी कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है। ED ने मध्य प्रदेश में BLA इंडस्ट्रीज की 348 एकड़ जमीन की जब्त की, ये भी कोई न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। आसियान से गहरे आर्थिक संबंध चाहते हैं सुषमा स्वराज, ये न्यूज़ है जो हमारे UPSC के लिए एकदम सही। आसियान देशों को संबंध को विषय में हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे इसमें देख सकते हैं, कहा भारत चाहता है साझी सुरक्षा व साझी समृद्धि क्षेत्रीय ढांचा। ये जो ये दक्षिण महासागर में ये जो खलबली मचा रहा है चीन, उसके संबंध में है। और ये मेघालय, ये भी कोई बढ़िया न्यूज़ नहीं है। जावेडकर से हिंदू परंपरा पर शिक्षा का, ये भी कोई बढ़िया नहीं। ये न्यूज़ आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इस पर थोड़ा एक सर्च भी कर लीजिएगा कि ये आसियान देश क्या है और इसके कहाँ कहाँ कौन कौन से देता है, थोड़ा मैपिंग भी देख लीजिएगा। राष्ट्रपति बोले केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्त पद पर जल्द भरे जाएंगे, ये एक तरह से महत्वपूर्ण देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में जो रिक्तियाँ चलती हैं उसके संबंध में राष्ट्रपति राष्ट्रपति जी का जो बयान है एक महत्वपूर्ण माने रखता, क्योंकि ये एक भारत के उच्च स्तर पर रहने वाले लोगों का बयान है तो इसको थोड़ा महत्व देना चाहिए। दिव्यांगों के लिए केवल 6 राज्यों में है विभाग, ये भी देख सकते हैं कि दिव्यांगों के जो बढ़ोतरी के लिए चाहे उनके विकास के लिए हमें क्या क्या करना है उसके संबंध में आप प्रो के रूप में इसे पढ़ सकते हैं कि दिव्यांगों के लिए केवल 6 राज्य में विभाग, इसको देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार के लिए नई पेंशन योजना, पेंशन योजना से संबंधित हम न्यूज़ को देखते रहते हैं और फिर भी आप एक नज़र मार लीजिएगा। और केजरीवाल को महाराष्ट्र में सभा करने की नहीं मिली जाती, ये भी कोई न्यूज़ नहीं है पढ़ने के लिए। कई देशों को भारत तेल व गैस ब्लॉक देने को तैयार, ये पढ़ सकते हैं। यार की दृष्टि से थोड़ा सही रहेगा क्योंकि इसमें जो गैस तेल है हमारे देश में बहुत कम है जो आप जानते ही हैं, और विदेशों से जो गैस तेल मंगाया जाता है उसके संबंध में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अरब देशों में अभी हाल ही में देख सकते हैं कि देखिए इसमें दो चीज़ है, क्रूड की निचले स्तर की कीमत व स्वच्छ ऊर्जा पर जोर से बाजी पलटी। कतर कुवैत व इराक कई ब्लॉक भारतीय कंपनियों देने को राजी, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और जो लालू यादव की सजा दी उसमें पूरा उसका दिया हुआ है, इस पेज पर ही पूरा लालू यादव के बारे में दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। अब नेशनल न्यूज में आप देख सकते हैं मेजो बिस्तरों पब का मालिक, ये जो अभी मुंबई में जो पब का जो आग लगी उसके बारे में, भत्ता के बहाने ब्राह्मणों को लुभाने की, ये भी कोई न्यूज नहीं है। उत्तर सर्दी के सितम बारामूला भीम से, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए यही न्यूज होता है, ये हिमस्खलन है, इसके बारे में आप पढ़ना जरूरी है कि जो UPSC के सिलेबस में दिया हुआ था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में, तो आप हिमस्खलन के बारे में पढ़ सके कि हिमस्खलन क्या होता है, कैसे आते हैं, इसके क्षेत्र कहाँ क्या है और इससे नुकसान क्या है और इसको हम कैसे सुदृढ़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। गरीबों के लिए वेतन छोड़े पति, ये कोई चीज़ नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खींचे कदम और समिति से हटाया भगवा रंग, ये कोई न्यूज नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। शादी के बाद आम चुनाव में भाग आजमा, ये भी न्यूज नहीं। जब दवाई गरीबों
करने का देश, ये आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं, पढ़ने लायक है। उसके बाद से आते हैं फर्जी पासपोर्ट मामले को लेकर देवबंद में एटीएस की छापेमारी, ये पढ़ने लायक नहीं है। संत महात्मा भी कर रहे हैं कुंभ की ब्रांडिंग, ये भी कोई न्यूज नहीं है। करोड़ों की ये थोड़ा पढ़ सकते हैं कि चिल्का को विश्व धरोहर दर्जा दिलाने पर, आप एक बार देख लीजिए कि किसी चीज को भारत में विश्व धरोहर का दर्जा दिया तो उससे क्या फायदे होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है विश्व धरोहर के संबंधों में। उत्तर प्रदेश में नाराज किसानों ने, ये भी कोई भारत न्यूज में, ये आप देखो उत्तर प्रदेश में किसानों ने सीएम आवास के सामने फेंका आलू, तो इससे आप किसानों की जो दुर्दशा है उसको, उसके विरोध को आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेरोइन तस्करी के लिए पाक रेंजर्स की चौकिया किराए पर ले रहा है तस्कर, ये भी कोई न्यूज़ नहीं है। सरदार से प्रतिमा से, ये भी न्यूज़ नहीं है। गुजरात में मेडिकल छात्रों ने, ये लोगों को पत्र लोगों को देखिए, ये भी न्यूज़ नहीं है। ये आते हैं मुद्दे पे, देश ही सर्वस्व नया शासन, इस ये न्यूज़ हमारे लिए तो नहीं है। छोटा योगदान यहाँ पे कल्याण प्रगति, ये आप देखिए, ये शिक्षा के रूप में जो सुपर 13 के संस्थापक हैं अनंत कुमार जी, इनका एक लेख छपा है, ये एक तरह से हमारे शिक्षा के विकास के लिए जो बिंदु होंगी उसके संबंध में ये महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर पढ़ें। जो ये खुद एक शिक्षक हैं और संचालक हैं, इन्होंने अपनी कुछ बातें जो बताई हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप जान सकते हैं। ये ट्यूटोरियल है जिसमें धांधली की सजा, ये इस ट्यूटोरियल को आप पढ़ सकते हैं कि मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ कि जो लालू की जो सजा हुई है उसमें जो अधिकारी भी शामिल हैं उनसे सबक लेना, और ये यूपीएससी के फोर्थ पेपर में जो क्वेश्चन इस संबंध में आ सकते हैं कि जो आते हैं उस पर आ सकते हैं। जातिवाद राजनीति का जहर, ये पढ़ सकते नहीं है, नहीं पढ़ सकते। फर्जी नाम पहचान कैसे, ये भी नहीं पढ़िए। नियुक्तियों की गड़बड़ी, ये जरूर पढ़ें। किन की मिसालें को सबसे बड़ा खतरा, ये भी कोई पढ़ने वाली चीज़, ये आप देखिए यहाँ पे तथ्य कथ्य में ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में छतों पर सौर ऊर्जा प्लेट से बिजली उत्पादन 2013 से 2017 तक दिया है, जो 2013 में 32 मेगावाट से बढ़कर ये 2017 में 715 मेगावाट तक हो गया है। ये भाषा के संदर्भ में दिया हुआ तो आप थोड़ा बहुत देख सकिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है ये, और इसमें कुछ नहीं है। आप ये भी कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कारों के संबंध में आप देख सकते हैं प्रोस के रूप में। सरकारी बैंकों में पूंजी बढ़ाने के कदम से ग्रोथ रेट सुधरी, ये ग्रोथ रेट के संबंध में आप पढ़ सकते हैं। दिवालिया प्रक्रिया में फंसी फार्मों को आयकर में राहत, ये पढ़ने को। बैंक में जाना 20 जनवरी से, ये देख सकते हैं थोड़ा बैंकिंग कार्य जो होगा 20 जनवरी से थोड़ा महंगी हो जाएंगी, जिसमें आप चार्ज के अतिरिक्त 18% जीएसटी भी लगेगी और सीधे खाते से कटौती भी होगी। इसमें बैंकों का तर्क है ऑनलाइन बिक्री को बढ़ाने में मददगार हो गया, और इन सेवा पर जो बैंक पैसा लेगा, अभी इन सेवा जैसे पैसा जमा करना, पैसा निकालना, केवाईसी पता बदलवाना, फोन नंबर बदलवाना, नेट बैंकिंग और चेक बुक आवेदन आदि पर आपको अब मतलब पैसा देना पड़ेगा। मांग कमजोर रहने से फिसला सोना चांदी, ये तो हमेशा की बात, इसमें नहीं दिखना चाहिए, सराफा बता रहे हैं। यामा 24,000 मोटरसाइकिलों की खराबी दुरुस्त कर गई, ये भी कोई वेतन पर निर्गिनी सुधारी गलतियां, ये भी कोई न्यूज नहीं है। बार बार ही खुल जा रहा, सॉरी इसके लिए। एक साल नहीं बल्कि अगले 10 साल की निवेश की रणनीति बता, ये निवेशकों के लिए न्यूज आपके लिए नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर बातें, मेक्सिको की सुरक्षा के लिए ट्रंप की 2 लाख करोड़ की योजना, ये भी पढ़ने लायक नहीं है। आईआर से संबंधित मगर पढ़ भी सकते हैं, आईआर से संबंधित, क्योंकि मेक्सिको और जो अमेरिका के बीच जो जो तस्करी होती है मादक पदार्थों का, उसके संबंध में है। जो देखिए धीरे धीरे दीवारों की पट्टाएं हैं ये बन रही हैं, ये यहाँ पे देखिए सऊदी अरब में 11,000 सजा दे, ये तो हमेशा की बात है। ईरान मुद्दे पर अमेरिका को नहीं मिला संयुक्त राष्ट्र का साथ, सदस्य बोले आंतरिक मामला, ये महत्वपूर्ण है, इस न्यूज का अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण, और वो जो सुषमा स्वराज की आसियान देशों संबंधित थी वो महत्वपूर्ण न्यूज है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान समझौते में सुधार पर विचार, टिलरसन, अमेरिका के विदेश मंत्री जो रेक्स टिलरसन है उनका ये बयान है। और अमेरिका सुरक्षा परिषद के मंच पर का दुरुपयोग कर रहा है, जिसमें रूस रूस ने कहा है
और डोनाल्ड ट्रंप को पानी, ये तो उनकी किताब है, उसके संबंध में जो बातें आ रही हैं वो भी आ रही हैं। ये कुछ देखने वाला नहीं है 2000 का फोन लड़के, ये क्रिकेट वाला है तो आप नहीं पढ़े तो सही रहेगा, यूपीएससी वाले। और ये देखिए, ये न्यूज़ गरीबी उन्मूलन की मंजिल के करीब पहुंच जाएगा नया साल, ये गरीब उन्मूलन से संबंधित है, इस पे आप जरूर देखिएगा, ये मिटेगी बदाली, इसमें आप कैसे गरीबी उन्मूलन को लागू करेंगे ये जरूरी है। इसमें देखिए, खाद्य सब्सिडी, बैंक खाते में, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, ये महत्वपूर्ण, यहाँ से आप गरीबी उन्मूलन के संबंध में जितने भी फैक्ट फैक्ट हैं, बिंदु है, ये आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, या इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ये महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन से संबंधित। और चीन सीमा तक 1 साल में बनेगी 7 सड़कें, ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र में, ये देख रहे सामरिक दृष्टि जो है उसके लिए। परिजनों ने मांग की पीएम के नोट पर, पीएम से मांग मांग नोट पर हो नेताजी की वोट, ये तो और हो जाए तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा। अब बताइएगा कि क्या करना चाहिए कि नहीं, कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसका नोट, उनका फोटो नोट पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस बात को लेकर। ये मर पढ़ने के लिए नहीं है। ड्रोन के जरिए खोजी जाएगी हिमालय की जड़ी बूटी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। नड्डा के पॉल अब अफसर कहलाएंगे BHU की नर्स, ये भी कोई बात नहीं है। और आजकल में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत साइंस और टेक से संबंधित न्यूज है, ये देखिए क्लोरोन की कमी से घटा ओजोन पर, ये पढ़ सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का दिखा असर, पड़ोसी की आकाशगंगा में 1000 तारे कुछ सूर्य से भी बड़े, ये पढ़ने के लिए नहीं, अनोखा बिस्तर। ये देखिए साइंस टेक से संबंधित है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, और कुछ तो नहीं है। धन्यवाद हमारे इस न्यूज चैनल पर जुड़ने के लिए, और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जहाँ तक हो सके शेयर भी करें, क्योंकि जो इससे जो अन्य प्रतिभागी हैं इस चैनल से जुड़ सके, और डेली की न्यूज एनालिसिस में मैं आपको डेली ऐसे ऐसे न्यूज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।